हेलो फ्रेंड्स, दिस इज योर फ्रेंड आशुतोष एंड वेलकम टू फ्री एक्सपीरियंस विद आशुतोष। एंड आज हम लोग बात करने हैं कि अगर आपको एक बिजनेस एनालिस्ट बनना है या फिर आप एक एक्चुअली बिजनेस एनालिस्ट हो भी, तो आपको कौन से स्किल्स आने चाहिए और कौन से स्किल्स आपके लिए मैंडेटरी है टू बी अ बेटर बिजनेस एनालिस्ट। ओके, सो दिस वीडियो इज गोना बी रियली इंपॉर्टेंट फॉर यू अगर आप एक बिजनेस एनालिस्ट एस्पिरेंट हो। ओके, एंड इन दी एंड मैं आपको एक बोनस टिप देने वाला हूँ जिससे कि आप एक बहुत ही बेहतरीन बिजनेस एनालिस्ट बन सकते हो। ओके, सो विदाउट मेकिंग एनी मोर डिले लेट्स हॉप इन टू इट। फर्स्ट स्किल जो आपको बीइंग अ बिजनेस एनालिस्ट आना चाहिए, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल। अगर ये आपके अच्छे नहीं है तो आप एक बहुत ही अच्छे बिजनेस एनालिस्ट, आई एम सैड टू से, बट नहीं बन सकते टू बी ऑनेस्ट। एंड दैट इज, आपका कम्युनिकेशन शुड बी स्पॉट ऑन। ओके, आपका कम्युनिकेशन बहुत ही अच्छा होना चाहिए। एंड व्हेन आई से कम्युनिकेशन, मैं सिर्फ वर्बल कम्युनिकेशन नहीं बोल रहा बट रिटन कम्युनिकेशन एज वेल। ओके, आपको अच्छी तरीके से क्लाइंट के साथ कम्युनिकेट करना आना चाहिए। दैट्स वाई वर्बल कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन आई से फेस टू फेस कम्युनिकेशन। ओके, एंड उसके बाद में रिटन कम्युनिकेशन अच्छा क्यों होना चाहिए, क्योंकि आपको ईमेल्स के साथ आपके क्लाइंट्स के साथ कम्युनिकेट करना है, तो तभी आपका रिटन कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। ओके, उसी के साथ आपको डॉक्यूमेंटेशंस बनाने हैं, रिपोर्ट्स बनाने हैं, जिसमें आपका रिटन कम्युनिकेशन टेस्ट होगा। ओके, और अगर आपका रिटन कम्युनिकेशन अच्छा है तो आप क्लाइंट के साथ बहुत ही अच्छी तरीके से बॉन्ड बना सकते हो ओवर ईमेल्स एज वेल। ओके, और उनको अच्छी तरीके से इंफॉर्मेशन आपको पोर्ट्रे करने आ जाएगी और आपका जो कम्युनिकेशन है वो एक इफेक्टिव वे में हो जाएगा, बोथ साइड से हो जाएगा, विच विल बी रियली हेल्पफुल फॉर यू टू अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट्स एज वेल एज पोर्ट्रे व्हाट यू हैव अंडरस्टूड एंड हाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स। ओके, सो फर्स्ट वन इज दैट कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन स्किल्स आपके बहुत ही अच्छे होने चाहिए टू बी अ गुड बिजनेस एनालिस्ट। नाउ सेकेंड इज दैट यू नीड टू हैव गुड नॉलेज अबाउट SQL। ओके, SQL के बारे में आपको अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, आपको SQL क्वेरीज आनी चाहिए फायर करना, क्योंकि देखो टाइम आएगा जब भी आपको डेटाबेस में से डेटा एक्सट्रैक्ट करना होगा तो आपको SQL क्वेरीज फायर करनी होंगी। जो भी डेटाबेस आपकी कंपनी यूज करती है उसमें आपको SQL क्वेरीज लिखनी पड़ेंगे टू एक्सट्रैक्ट द डेटा फ्रॉम डेटाबेस, क्योंकि आपको डेटाबेस में से जो डेटा मिलेगा उसी के ऊपर आप आपका एनालिसिस करोगे, राइट। एनालिसिस करने के लिए डेटा निकालना पड़ेगा डेटाबेस में से, उसके लिए आपको SQL क्वेरीज आनी चाहिए। मैं नहीं बोलता कि आपको बहुत ही एडवांस लेवल के SQL क्वेरीज आनी चाहिए जैसे कि एक DBA को लगती है, बट बेसिक जो SQL क्वेरीज रहती है विद रिस्पेक्ट टू सिलेक्ट क्वेरीज, जॉइंस, यूनियंस, राइट, लाइक क्लॉज, ये सब जो रहते हैं ना वो बहुत ही बेसिक SQL क्या बोलते हैं कि पॉइंट्स है, जो कि अगर आपको अच्छी तरीके से आते हैं तो आप अच्छे से डेटाबेस फेच आउट कर सकते हो, आपका एनालिसिस फ्रिक्वेंटली हो सकता है। ओके, दैट्स व्हाई SQL क्वेरीज के ऊपर आपका हैंड्स ऑन होना इज नेसेसरी। आपको अच्छी तरीके से SQL क्वेरीज आएंगी तो आपके लिए बेनिफिशियल हो जाएगा। ओके, सो थर्ड वन इज दैट, थर्ड स्किल जो आपको नेसेसरी है आना, दैट इज एक्सेल। एक्सेल इज अ रियली बिग टूल और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टूल है एक बिजनेस एनालिस्ट के लिए। सो एक्सेल पे हैंड्स ऑन होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं अगर बोलूंगा तो देखो फ्रेशर्स का कैसे रहता है, हम लोग कभी एक्सेल ज्यादा करके यूज नहीं करते, राइट, तो हम एक्सेल को टोटली इग्नोर कर 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 देते हैं। बट अगर आप एक कॉरपोरेट एम्प्लॉय बनोगे तो वन ऑफ द मोस्ट यूज्ड अगर कोई सॉफ्टवेयर है तो वो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। इसलिए एक्सेल अगर आपको आता है, एंड ये मैं अब सिर्फ बिजनेस एनालिस्ट के लिए नहीं बोल रहा बट कोई भी रोल क्यों ना हो आपको एक्सेल आना इज वेरी इंपॉर्टेंट। डेफिनेटली बिजनेस एनालिस्ट को आना इज नेसेसरी क्योंकि बहुत ज्यादा जो काम रहता है वो एक्सेल पे ही रहता है। ओके, आपको एक्सेल में भी कुछ क्या बोलते हैं कि पॉइंट्स है जो आपको आने चाहिए। फॉर एग्जांपल आपको पिवट आना चाहिए, आपको चार्ट्स यूज करने आने चाहिए, आपको फिल्टर ऑप्शंस लगाने आने चाहिए। ये सब आएगा तो, क्योंकि देखो आपको जो डेटा मिलेगा वो बहुत ही ह्यूज डेटा रहेगा, तो उसको आपको शॉर्ट एंड स्वीट करना पड़ेगा आपके एनालिसिस के लिए, राइट। तो उसके लिए ये सब चीजें आपको आएंगी, तभी आपका जो डेटा आपको मिला है वो अच्छी तरीके से प्रोसेस कर सकते हो, राइट, आप एक अच्छी तरीके से विजुअलाइज कर सकते हो। सो इसीलिए आपको एक्सेल आना इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सेल अभी से सीख लो अगर आप बिजनेस एनालिस्ट बनना चाहते हो, अगर आप फ्रेशर हो, और अगर आप एक्सपीरियंस हो तो डेफिनेटली आपको, मेरे को तो लगता है कि आता ही होगा एक्सेल। अगर नहीं आता तो डेफिनेटली ये स्किल बिल्ड कर लो क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आपको एक अच्छा बिजनेस एनालिस्ट बनना है।
ओके एंड फोर्थ वन इज दैट आपके प्रेजेंटेशन स्किल्स बहुत ही अच्छे होने चाहिए। प्रेजेंटेशन स्किल्स आपके बहुत ही अच्छे क्यों होने चाहिए कि आपको टाइम आएगा जब भी आपको स्टेक होल्डर्स, आपके खुद की इंटरनल टीम, मैनेजर्स वगैरह होंगे, उनके सामने आपको प्रेजेंट करना पड़ेगा, राइट? और प्रेजेंट करते टाइम के आपको क्या क्या करना है, अगर आपको अच्छे से प्रेजेंटेशन देना नहीं आता तो तभी आप आपके जो पॉइंट्स है वो आपके स्टेक होल्डर्स या फिर मैनेजर्स को नहीं पोर्ट्रे कर पाओगे, उनको समझ नहीं आएगा आप क्या बोल रहे हो, राइट? सो इसीलिए प्रेजेंटेशन स्किल्स आपको आनी चाहिए। प्रेजेंटेशन स्किल्स सिर्फ बोलना ही नहीं तो अच्छे प्रेजेंटेशन भी बनाना आना चाहिए। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट आना इज वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल, दैट्स वाई वो भी एक्सप्लोर करो, उसमें बहुत सारे फीचर्स है, राइट? सो माइक अगर आप अच्छे प्रेजेंटेशंस बना सकते हो, तो अगर इफेक्टिव प्रेजेंटेशंस बनाए तो डेफिनेटली आपको आपके स्टेक होल्डर्स, मैनेजर्स, क्लाइंट्स को समझाना आसान तरीके से आ जाएगा। दैट्स वाई प्रेजेंटेशंस बनाना इज वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल। फिफ्थ स्किल जो आपको आना चाहिए दैट इज एनालिटिकल स्किल्स। ओके, एनालिटिकल स्किल्स आपको क्यों आना चाहिए, क्योंकि एक बिजनेस एनालिस्ट, जो एनालिस्ट वर्ड है, दैट शोज कि आप एक अच्छे एनालिसिस करने वाले बंदे हो, टू बी ऑनेस्ट। ओके, सो आपको अगर एनालिसिस करना नहीं आता, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके क्लाइंट ने एक इशू रेस किया है कि बाबा ऐसे ऐसे इशू आता है, तो वो इशू क्यों आता है, कैसे आता है, ये सब एनालिसिस आपको करना आना चाहिए, क्योंकि आप बिजनेस एनालिस्ट हो, राइट? आप अगर एनालिसिस नहीं कर सकते तो फिर आप आपके टीम को या फिर जो डेवलपर्स है या फिर जो दूसरे टीम्स है उनको कैसे बताओगे कि बाबा ये इशू आता है और इसको ऐसे ऐसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, नहीं आ सकता, राइट? दैट्स वाई आपके एनालिटिकल स्किल्स आर रियली मस्ट। आपको इशू जो रेज हुआ है उसके क्या बोलते हैं, उसको एनालाइज करना आना चाहिए कि ये क्यों रेज हुआ, और अगर अच्छे से आप एनालिसिस कर सकते हो तो आपको डेफिनेटली समझ में आ जाएगा कि वो सॉर्ट आउट भी कैसे हो सकता है, राइट? दैट्स वाई एनालिसिस एंड एनालिटिकल स्किल्स आर रियली मस्ट फॉर अ बिजनेस एनालिस्ट। दीज आर द फाइव स्किल्स, अगर आपने आपके अंदर ये अच्छे से रख लिए तो आप एक अच्छे बिजनेस एनालिस्ट बन सकते हो। ओके, एंड अलोंग विद दैट अभी मैं आपको एक क्या बोलते हैं, बोनस टिप देने वाला हूँ, जिससे कि आप एक बहुत ही बेहतरीन बिजनेस एनालिस्ट बन सकते हो। एंड दैट इज कि आप एक प्रॉब्लम सॉल्वर होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक बिजनेस एनालिस्ट का रोल जो है वो एक्ट करता है एज ए गेटवे। ओके, गेटवे की तरह एक्ट करता है क्लाइंट्स या फिर स्टेक होल्डर्स और जो आपकी इंटरनल टीम काम करती है उनके बीच में। आपको अच्छे से प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आनी चाहिए, क्योंकि देखो जो प्रॉब्लम्स है वो आपको स्टेक होल्डर्स और आपके क्लाइंट्स जो है वो रेस करेंगे, राइट? कि बाबा ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं तो फिर ये हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, राइट? तो आप बीइंग अ बिजनेस एनालिस्ट, आप क्या करोगे कि आप पहले एनालिस करोगे कि वो प्रॉब्लम कैसे आता है, उसके बाद में आपको एक सोल्यूशन भी ब्रिंग अप करना पड़ेगा कि बाबा अगर ये इशू आता है तो ये सॉल्व कैसे हो सकता है, राइट? तो अगर आप एक अच्छे प्रॉब्लम सॉल्वर हो तो डेफिनेटली आपको समझ में आ जाएगा कि ये इश्यूज जो आ रहे हैं वो कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हो, और उसके बाद में आप आपकी जो इंटरनल टीम या फिर डेवलपमेंट टीम है जो काम कर रही है उनको बताओगे कि भाई ऐसे ऐसे इश्यूज आ रहे हैं और ये हम लोग करने वाले हैं जिससे कि ये इश्यू सॉल्व हो जाएगा, राइट? टू बी अ गुड बिजनेस एनालिस्ट इट इज अ मस्ट बी अ गुड प्रॉब्लम सॉल्वर एज वेल। ओके, सो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, और अगर आप एक बिजनेस एनालिस्ट एस्पिरेंट हो या फिर आपको बनना है या फिर आप अभी भी हो, तो फिर आपको ये डेवलप करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होगा, क्योंकि अभी आपको पता है कि आपको क्या क्या आना नेसेसरी है, क्या क्या स्किल्स आप में होनी चाहिए टू बी अ बेटर बिजनेस एनालिस्ट। ओके, सो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो डेफिनेटली लाइक कर दीजिए वीडियो को एंड कमेंट डाउन योर व्यूज कि ये जो मैंने अभी टिप्स बताए वो आपके लिए हेल्पफुल थे भी या नहीं थे। ओके, अगर कुछ आपको पॉइंट्स चाहिए या फिर कुछ हेल्प चाहिए कि मैं कौन सी वीडियोस बनाऊँ, तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। मैं डेफिनेटली मेरी तरफ से पूरा ट्राई करूंगा कि आप सबके सारे डाउट सॉल्व कर दूँ। एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल, अगर आप एक जॉब के लिए ढूंढ रहे हैं या फिर इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो मेरे चैनल पे आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे जिसपे मैंने आपको गाइड किया है कि अच्छे इंटरव्यूज कैसे क्रैक करते हैं। और डेफिनेटली आपको हेल्प करने के लिए मैं जॉब अलर्ट्स भी डालता रहता हूँ जितना मेरे से हो सकता है। मैं भी एक बिजी शेड्यूल में रहता हूँ, बट जितना मेरे से हो सकता है इन दिस पैंडेमिक सिचुएशन, आपके जॉब सर्चिंग के लिए, आपके इंटरव्यूज क्रैक करने के लिए आई एम डूइंग माई बेस्ट। ओके, सो उसके बदले मुझे जस्ट सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, विल बी रियली मोटिवेटिंग फॉर मी। ओके, सो आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल फॉर यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।